स्वागत है आपका मेरे किचन सोनिया सीड्स एंड ट्रीट्स में। मैं हूँ सोनिया और आज हम बनाने वाले हैं एक पनीर की रेसिपी, लेकिन ये एक नॉन वेज रेसिपी का वेज वर्शन है। ये इस रेसिपी को अलग बनाता है। इसमें पड़ा हुआ एक खास तरह का इंग्रेडिएंट जिससे इसका स्वाद बिल्कुल बाकी सभी पनीर डिशेज से बहुत अलग है। तो आप इसे ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए दो मध्यम आकार के प्याज और एक हरी मिर्च डाल के मैंने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। फ्रेश पनीर लेके उसमें नमक और हल्दी लगा के थोड़ी देर उसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए। इससे यह नमक पनीर के अंदर चला जाएगा। आप कोई भी पनीर ले सकते हैं, मैंने पैकेट वाला पनीर लिया है। पैन में गर्म करिए आप घी, तेल, बटर कुछ भी, और उसमें हम ये पनीर डालकर अच्छे से इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। एक दूसरे पैन में हम गरम करेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, एक तेज़पत्ता, दो सूखी मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, एक चम्मच जीरा और हमने जो मसाला प्याज और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे, उसी से इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। यहाँ मैंने एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और उसे भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे जब तक अदरक और लहसुन का महक चला ना जाए और प्याज का पानी थोड़ा सूख ना जाए, बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद सूखे मसाले डालेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर आधा चम्मच और थोड़ा सा पानी जैसे कि ये मसाला जले नहीं, डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और हम थोड़ी देर इसे भून लेंगे मसाले को। भूनने के बाद अब बारी आती है उस खास इंग्रेडिएंट की जो इसे बहुत अलग बनाता है, और वो है नारियल का दूध। यहाँ मैंने पैकेट वाला टेट्रा पैक यूज़ किया है, दो चम्मच क्रीमी नारियल के दूध का, साथ ही एक छोटा चम्मच चीनी भी डाला था मैंने। आप चाहें तो फ्रेश नारियल को घीस के उसका भी दूध निकाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चलेगा। नारियल के दूध का पाउडर भी आता है, उसे भी घोल के आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 8 से 10 काजू और एक बड़ा चम्मच खसखस को पानी में भिगाकर उसे अच्छे से बारीक पेस्ट बना लिया था, वो मैंने एक बड़ा चम्मच डाला है। अब अच्छे से मिला के इसे हम ढक कर धीमी आंच पे तेल छोड़ने तक अच्छे से मसालों को पका लेंगे। तेल छोड़ने का मतलब है कि मसाला हमारा तैयार है जैसे कि यहाँ पर, लेकिन अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी को आप अगर थोड़ा सा और पतला करना चाहें तो आप यही नारियल वाला दूध ही इसमें डालें। डाल के एक बार अच्छे से चला लें। चलाने के बाद अब हम डालेंगे हमने जो पनीर को फ्राई किया था वो पनीर डालकर हम अच्छे से इसी मसाले में पनीर को अच्छे से कोट कर लेंगे कि सब मसाले इसमें आपस में मिल जाएं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने अच्छे से मसाले के साथ पनीर को भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, कोई भी गरम मसाला आपके पास हो, घर का बना हुआ या फिर बाज़ार का। साथ ही ये पानी डाला है मैंने जिससे कि ये नमक और ये मसाले थोड़ा सा पनीर एब्जॉर्ब कर ले, उससे और वो खाने में अच्छा लगेगा। और इसे ढककर बस 5 मिनट, हम 2 से 5 मिनट हम सिमर कर लेंगे और ये बन के तैयार है हमारा नॉनवेज रेसिपी प्रॉन मलाई करी का वेज वर्शन, पनीर मलाई करी। आप इसे ज़रूर एक बार घर में ट्राई करें और इसे इंजॉय करें गरम गरम चावल या फिर रोटी के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए और सीखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।